नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं पल्लवी शर्मा पेश करते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। राजनाथ सिंह से मिले सीएम जयराम, रोहतांग टनल के काम में तेजी लाने का किया आग्रह। इग्नू की तर्ज पर संचालित होंगे राज्य मुक्त विद्यालय, सप्ताह में दो बार लगाई जाएंगी कक्षाएं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के बस स्टॉप शेल्टर में होगा इंटेलिजेंट और बैरियर फ्री सिस्टम। शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों में बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाना अनिवार्य। कुल्लू में खनन माफिया का माइनिंग गार्ड पर हमला, मौके से विस्फोटक बरामद। बुजुर्ग महिला क्रूरता मामले में आरोपियों ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत की गुहार। ज्वाली में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। ताजा बर्फबारी से फिर बंद हुआ रोहतांग दर्रा, केलांग जिस्पा मार्ग पर लैंडस्लाइड। अब समाचार विस्तार से। सीएम जयराम ठाकुर ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से रोहतांग टनल में कार्य में तेजी लाने व सीमा सड़कों के लिए धनराशि जारी करने का आग्रह किया। टनल का कार्य शीघ्र पूरा होने से लाहौल स्पीति के लिए आवागमन में सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा सीएम संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से भी मिले और उनसे चिंतपूर्णी प्रसाद प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ जारी करने तथा अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए सहयोग का आग्रह किया। प्रदेश में राज्य मुक्त विद्यालय यानी SOS इग्नू की तर्ज पर संचालित किए जाएंगे। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों की सुविधा को देखते हुए सप्ताह में दो बार कक्षाएं लगाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने बताया कि SOS के स्टडी सेंटर में छात्रों की काउंसलिंग भी की जाएगी। SOS के स्टडी सेंटरों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेरोजगार शिक्षकों को पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए बेरोजगार शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के सभी बस स्टॉप और रेन शेल्टर रिफ्रेश्ड होंगे और जिनमें इंटेलिजेंट और बैरियर फ्री सिस्टम का प्रावधान होगा। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर शुरू करने और पूरा करने के लिए तैयार है। स्मार्ट सिटी की सीमाओं के भीतर एक समावेशी भागीदारी और नागरिक अनुकूल स्मार्ट सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। इस विशेष परियोजना के तहत भागसू नाग में 28 नए आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त समस्त निजी स्कूलों को बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों व प्रायोगिक पुस्तकों को पढ़ाना अनिवार्य है। अगर निरीक्षण के दौरान ऐसा नहीं मिलता है तो संस्थान की संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से बैठक के दौरान कही। बैठक में निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने बोर्ड अध्यक्ष को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कुल्लू जिले में माइनिंग विभाग के रक्षक व वन विभाग के फॉरेस्ट वर्कर पर हमला होने की खबर सामने आई है। मौके से विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं।
बताया गया कि कुल्लू के उप तहसील सैंज में सफेद स्लेट के अवैध खनन का खुलासा होने के बाद वहां दबिश के लिए गए खनन विभाग के गार्ड और वन विभाग के कर्मी पर खनन माफिया ने हमला किया। घटना के बाद खनन गार्ड ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देव आस्था के नाम पर मंडी जिले की गाहर पंचायत में बुजुर्ग महिला के साथ क्रूरता मामले में नामित 8 आरोपियों ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका की गुहार लगाई है। इस मामले में आज राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट दायर की गई। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की है। गौरतलब है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों पर पहले ही संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। पुलिस थाना जवाली के तहत एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। डीएसपी जवाली ओमकार सिंह और एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन भी मौके पर पहुंचे। धर्मशाला से फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। एसपी कांगड़ा ने कहा कि महिला ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है, इस बात का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही चल पाएगा। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार को रोहतांग में 1 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। ताजा बर्फबारी से रोहतांग दर्रा एक बार फिर यातायात के लिए बंद हो गया है। उधर केलांग जिस्पा मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। प्रदेश के अन्य इलाकों में आज मौसम खराब बना हुआ है। राजधानी शिमला सहित अन्य इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। उधर धौलाधार की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।